ओ गॉड, वाटर क्रॉसिंग देख के ना यार फट जाती है सच में, गंदी वाली। अरे 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 मौसम के नजारे लेते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑलराइट, तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से एक तड़कते भड़कते नए ब्लॉग में, और स्वागत है आपका लद्दाख राइड में। तो अभी हम हैं केलोंग में। कल अपन ने सोचा था कि हम लोग जिस्पा पहुंच जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि अटल टनल के आसपास ना फोटो सेशन में इतना टाइम लग गया, और लॉन्डे आपने देख ही लिए थे किस तरीके से शूट कर रहे थे भाई। एक एक फोटो को 10-10 बार शूट किया, जो नहीं आई पसंद फिर दोबारा शूट किया, और बहुत सारे यूट्यूबर भाई भी मिले वहां पे, आपने देख लिया होगा पिछले वाले ब्लॉग में। अगर नहीं देखा है तो जाके ऊपर जाके आई बटन में जाओ, वहां लिंक मिल जाएगा। अभी हम हैं केलोंग में, होटल में नीचे रेस्टोरेंट है जहां कल खाना खाया था, और अभी उसी के ऊपर सारा सामान अपना देख लो आप किस तरीके से फैला हुआ है भाई। पंकज भाई लगे पड़े हैं सेटलमेंट करने में, 3 लोग आए हैं बाइक से, और सामान देखो आप कितना है, ऐसा लग रहा है पूरा क्या कहते हैं ट्रक लेके चलने अपने साथ में, और ये सब अपनी बाइक को लोड करना है। ये डेली का जो काम है ना, सबसे गंदा काम ये हो गया कि सुबह उठो, इन्हें पैक करो, इन्हें गाड़ी में रखो। अभी हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक मेरे साथ और हो गई है, मुझे जाना है दोबारा तांडी पिछले 8 किलोमीटर, क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ से 350 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला, और अपनी गाड़ी का टैंक तो फुल है, बट फिर भी अपन चांस लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पीछे 7 किलोमीटर जा सकते हैं, तेल लेके आ सकते हैं, अदरवाइज अपने को धक्का लगाना पड़ेगा, और धक्का लगाना अपने को मंजूर नहीं इतने सारे सामान के साथ। तो ठीक है, तो फिर पहली बार चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी आपको दिखाता हूँ बाहर के नजारे, बाहर गिरी है बर्फ, सामने वाले चोटियों पे चारों ओर बर्फ के नजारे हैं। तो अभी सोच लो कि आज के ब्लॉग में आपको क्या मिलने वाला है, बर्फ ही बर्फ, स्नो ही स्नो, स्नो में राइड होगी बाइक अपनी आज पल्सर 150। और अपने साथ एक दिक्कत और हो गई है, अपनी 1-2 टोपी लाए थे गर्म वाली, वो खो गई है फिलहाल, इससे काम चलाना पड़ रहा है। अभी आपको ऊपर छत पे लेके चलता हूँ जहाँ पे होटल में रुका था। अभी क्या है ना, अपन लोग थर्मल में ही है, ठीक है, अभी चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी अपने साथ। और अभी ये ब्रश ना का एक बार मुंह में डाल दिया तो फिर बोलने में दिक्कत होने वाली है। उससे पहले आपको कराता हूँ रूबरू यहाँ के नजारों, तो देख लो पीछे पीछे, तो पीछे देखो, पीछे देखो भाई पीछे, ये देखो सामने वाली चोटी देखो, पूरा बर्फ से ढका पहाड़ दिख रहा है 1 किलोमीटर के एरिया में, ये वाला पहाड़ भी पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और जिधर अपने जाना है जिस्पा और सरचू की तरफ को, उधर तो भाई जबरदस्त वाली बर्फ पड़ी है। तो आज की राइड बहुत जबरदस्त होने वाली है, आज की राइड ना जबरदस्त होने के साथ साथ ना बहुत रिस्की राइड भी होने वाली है, क्योंकि मैंने हिम्मत करी है अपनी पल्सर 150 को पेंगोंग लेक लेके जाने की। तो वर्ल्ड हाईएस्ट लेक रिकॉर्ड करना है अपनी पल्सर को, क्योंकि अब अपनी पल्सर को आज काफी टाइम हो गया, तो इसे चेंज करने से पहले पहले फटाफट से एक बार इसको हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड पेंगोंग लेक पे लेके जाएंगे, फोटो सेशन करेंगे, वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी लोग नजारे देखो यार भाई, ये जून जुलाई का महीना चल रहा है, लोग गर्म से पसीने पसीने हो रहे, रात को सोने से पहले भी नहा रहे 11 बजे, बट यहाँ आप देख रहे हो हाल सामने देखो, पूरी बर्फ से ढकी हुई चोटियां। तो आज का रूट हमारा होने वाला है जिस्पा होते हुए सरचू होते हुए करू होते हुए ले, और ले यहाँ से किलोमीटर है कम से कम 334 किलोमीटर, बट अपन लोग आज जहाँ पहुंचेंगे वहाँ कैंपिंग करेंगे, क्योंकि कल कैंपिंग क्यों नहीं हो पाई वो आपको पता है, कल अपने को हो गया था बहुत ज्यादा अंधेरा, बट आज फाइनली हम लोग अभी निकल रहे हैं 9:30 बजे, और हम 5:30-6 बजे तक जहाँ पहुंचेंगे वहाँ अपना टेंट लगा लेंगे। तो फटाफट ब्रश करते हैं, रेडी होते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद नीचे नाश्ता बनके रेडी है, होटल से फोन आ गया कि भाई साहब आपका नाश्ता रेडी है आ जाओ, ठीक है। तो चलो, ओ लॉन्डो रेडी, लॉन्डो रेडी, ऑल गाइस आर रेडी, लद्दाख में आग लगा देंगे पहाड़ी लॉन्डे, यो करेंगे लौंडे पहाड़ में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, और वहाँ लकड़ी नहीं मिलने वाली है, इनके जिगरों में आग लगेगी बस, और कहीं नहीं, और पिछवाड़े में, ठीक है। ठंडे कमरे की हालत देखो यार, लीरी री 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 कमरे की हालत छोड़ो, इसके नीचे की हालत देखो, ये देखो री 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 पुरुम पुरुम। फाइनली अपना सब पैक हो गया है, अपने सैडल बैग नीचे पहुंच गए हैं, और ये अपना रखा है पेट्रोल के लिए, क्योंकि मुझे अभी जाना है 7 किलोमीटर पीछे, तो पेट्रोल का मैंने ये जैरिकेन लिया हुआ है। तो चलो ऑलराइट, तो अभी क्या है, हम है आपका हिमालयन ग्रीनलैंड पे, और अपना क्या है ऑयल के लिए अपने को 7 किलोमीटर पीछे जाना है, यहाँ से जाना है तांडी, और अपना सारा सामान रखा है उधर, पराठे वराठे करो मारो, ठीक है, ओके चलो भाई। तो दोबारा से फिर से एक बार बैक जर्नी तांडी के लिए। तो भाई लोग हम पहुंच गए हैं तांडी, और तांडी के पेट्रोल पंप से अब हमने को अपना टैंक भी फुल करा लेते, वैसे टैंक फुल है फिर भी 50-100 रुपए का और आ जाएगा इसमें। तो ये हो गया है फुल, और अपना गैलन भी हो जाएगा फुल, 5 लीटर का है, नहीं 5 लीटर हो गया, 5 लीटर अपनी गाड़ी में दोबारा से फिर से 10 लीटर हमने और कर लिया है।
5 लीटर अपनी गाड़ी के अंदर कर लिया है और 5 लीटर अपने कर लिया जेरी कैन के अंदर। तो भाई ऐसा है ना, सबसे ज्यादा जरा जो कॉम्प्लिकेटेड काम है ना वो है इसको। ये देखो आप इस तरीके से पूरा गाड़ी में, क्योंकि आगे है बारिश का सीन भी हो सकता है, बर्फ भी पड़ सकती है, तो अपने ये ऑलरेडी रेन प्रूफ है, इसको हमने रेन प्रूफ कर दिया है पन्नी डाल के। बाकी ये तो लग रही भाई लद्दाख की गाड़ी। चलो मंडी से तेल डलवा के आ गए हैं, जो कल मिस्टेक हो गई थी, तेल मिस हो गया था वहाँ से। अभी नाश्ता करते हैं पराठे, उसके बाद निकलते हैं आपका जिस्पा और सरचू बारालाचा। आज थांगलागला पार करना है किसी भी हालत में, बिकॉज वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे सांसों की बहुत दिक्कत हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड पे है तो अपने को मतलब उसे या तो क्रॉस करना है या उससे पहले कहीं ना कहीं कैंपिंग करनी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल नाश्ता करते हैं। तो भाई हम अभी पहुंचने वाले हैं जिस्पा, और ये जिस्पा से पहले की पहाड़ियां हैं, चट्टाने हैं, और अपनी पल्सर 150 पूरा शांत है अपना हर जगह पे, नो डाउट। अभी तक तो कोई कहीं दिक्कत नहीं हुई है, इधर रोड पर काम चल रहा है। यार लोग कितनी मेहनत करते हैं यार, कभी कभी ना सोच के जब ये सब रिकॉर्ड करता हूँ और चलता हूँ ना, बहुत कभी कभी तो सदमे में आ जाता हूँ कि लोग कितनी मेहनत करते हैं यार। हम तो यार बस होटल ले लिया, घर में बैठ गए, बिस्तर ले लिया, कोई दिक्कत हुई तो मुंह फुला लिया, कुछ नहीं पैसा मिला तो पापा के सामने हाथ फैला दिया, नौकरी में दिक्कत हुई तो नौकरी छोड़ दी। मतलब इतनी आरामदायक जिंदगी, फिर भी इतना टेंशन रहते, लोग इतनी मेहनत करते हैं। वाह यार क्या व्यू है बाबा, जबरदस्त। लद्दाख रोड के ये नज़ारे ना अल्टीमेट हैं। अभी तो समझ लो जिस्पा नहीं पहुंचे हैं, जिस्पा पहुंचेंगे, ले पहुंचेंगे, उसके बाद के नज़ारे कैसे होंगे चलो देखते हैं आगे को। भाई लोग फाइनली हम लोग जिस्पा पहुंचने वाले हैं, और मैं आपको ये नज़ारे दिखाने से ना चूकना नहीं चाहता जो मैं देख रहा हूँ। रास्ते में ऐसा भी नज़ारे मिलेंगे, ऐसे व्यू मिलेंगे, आपको लग रहा है कि जैसे कोई वॉलपेपर बना के रखा होगा। क्या बात है, उधर सामने हिमालय की चोटी आपको दिख पा रही होंगी, तो और इधर सामने देखो आप पत्थर के पूरे पत्थरों के खेत लग रहे हैं यार, पूरे पत्थरों के खेत। अभी हम जिस्पा पहुंचने वाले हैं, बस 4 किलोमीटर बचा है और ऑक्सीजन की कमी हल्की से लग रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, फर्स्ट टाइम है एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हिमालय पास आ रहा है, एक तो हमारी सांसें चढ़ रही है, शायद सांसों की थोड़ी दिक्कत हो रही है, दूसरा हाथों में ठंड लगने लग गया मुझे, तो अब ग्लव्स पहनने का टाइम आ गया, ग्लव्स पहनते हैं फिर आगे निकलते हैं। हमारी आपको दिख रहा होगा पत्थरों का पहाड़। चलो कोई नहीं, जय माता दी, भोलेनाथ सबके साथ। तो यार दोस्तों हम पहुंच गए जिस्पा, और ये पहाड़ी और ये सारा एरिया ये है जिस्पा का। आपको मेरे बोलने में थोड़ा सा फर्क लग रहा होगा, हल्का हल्का, क्योंकि सांसों की दिक्कत धीरे धीरे यहाँ होने लगी। तो भाई हमने जिस्पा क्रॉस कर लिया है, और जिस्पा क्रॉस करने के बाद जो अगला गांव आएगा वो आएगा धारचा। तो मेरे ख्याल से वो जो गांव आपको दिखाई दे रहा है मेरे ठीक सामने, वो धारचा गांव है। तो यार पहली बार अगर हमारे इस चैनल पे आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वो इसलिए क्योंकि अभी तो ये लेह लद्दाख की राइड चल रही है, आने वाले बहुत सारे ऐसे ट्रैवल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जो शायद आपने आज से पहले कभी उस अंदाज में नहीं देखे होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो हर एक छोटी से छोटी खूबसूरतियां आप तक पहुंचाऊं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन दो, क्योंकि होता क्या ना, आपके एक सब्सक्राइब का बटन दबाने से ना आपका कुछ नहीं जाता है, बट अपने को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, समझ रहे हैं आप। चलो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो आप। चलो भाई, और ये पुल आपको दिखाई दे रहा होगा, चलो हम धारचा पहुंच गए। धारचा यहाँ से देखो बोर्ड लगा 1 किलोमीटर, और ये पुल आपको दिखाई दे रहा है ना, आर्मी पुल, भाई साहब गजब लोकेशन है। वेलकम टू धारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज यार, लॉन्गेस्ट ब्रिज क्या लिखा इसमें, आई थिंक द लॉन्गेस्ट ब्रिज कुछ लिखा था, मैं जल्दी अभी पढ़ नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं लंबा ब्रिज है बहुत, इतना समझ में आता है। तो ये देखो भाई नजारे, ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं धारचा ब्रिज ले लद्दाख राइड में। ये उड़ते हुए कैसे लग रहे हैं देखो भाई, ओए होए 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 होए, नजारे नजारे देखो नजारे। क्या हुआ इधर, क्या हुआ, क्या बाइकर्स को भी रोक रहे हैं क्या? अभी पुलिस वाले भाई साहब ने अपने को बोला कि पीछे आओ, चलो पता कर लेते हैं कि कोई नीचा बताइए। अच्छा यूके 04-6655 उत्तराखंड का नंबर, हल्द्वानी नैनीताल लद्दाख, तो थोड़ा सा रस्सी गिराएंगे, जरा गाड़ी घुमा लो। तो भाई इधर से अपना गाड़ी का नंबर और गाड़ी की पूरी एंट्री करानी है, उसके बाद ही आप आगे निकल सकते हो। चलो शायद ये रिकॉर्ड रखने में कामयाब होता होगा, उनके लिए कुछ दिक्कतें सॉल्व कर देता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और यार
मुझे लगा शायद यहीं पर अपना जो परमिट है वो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, फिर पूरा बैग खोलना पड़ेगा, पूरा टांग झांग खोलना पड़ेगा। थैंक गॉड कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे ख्याल से वो ले के बाद होगा। तो फिलहाल अभी नज़ारे लो सामने के, चलो। तो भाई आगे इधर छोटी सी वाटर क्रॉसिंग और मिली है अपने को, तो चलो इसे क्रॉस करते हैं और आगे पीने का पानी भी भर ही लूंगा मैं। अरे 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 बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है भाई, बड़ी दिक्कत है। ओहो, इस ट्रक को भी अभी आना था। थैंक गॉड इसके यहाँ नीचे से पानी निकल रहा, वरना इस पानी को अभी क्रॉस करना पड़ता, बहुत दिक्कत हो जाती यार, बहुत ज्यादा दिक्कत। तो एक काम करते हैं, पीने का पानी भर लेते हैं पहले यहाँ से, क्योंकि सब लोग बोल रहे जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपको दिक्कत कम होगी ऊपर। तो भाई ये देखो आप कितना शुद्ध हिमालय की गोद से निकल रहा पानी। पहले गाड़ी यहाँ पे लगा लेते हैं और फिर उसके बाद पानी भर लेते हैं। पीछे वाले वाटर क्रॉसिंग से पानी भर लिया है। पानी का बोतल का साइज देखो आप, इसमें एक लीटर पूरा भी नहीं आता है। ठंडा पानी भाई, बहुत ठंडा पानी है। वो देखो साथ के लौंडे। अब एक और वाटर क्रॉसिंग मिल गई अपने को, गजब वाली। तो भाई देख लो ये हालत है इधर की वाटर क्रॉसिंग की, और ये इतना तगड़ा वाटर क्रॉसिंग इधर से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दे भाई। एक के बाद एक वाटर क्रॉसिंग मिल रही है। तो अभी कहाँ से आ रहा है हिमालय से पानी? तो चलो 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 निकल गई, निकल गई भाई। ज्यादा तगड़ा नहीं था, इसे तगड़ा था पीछे मिला था, बहुत तगड़ा वाला। ये तो भी ठीक है यार। ओ गॉड, हाँ वाटर क्रॉसिंग देख के ना यार फट जाती है सच में, गंदी वाली। मौसम के नजारे लेते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जिसपा के बाद धारचा पार कर दिया, धारचा के बाद अब अगला जो गांव आ रहा है पतासो है, पतासी है, पतिसो समथिंग ऐसी कुछ पड़ा, पतिसो या पतिसो ऐसी कुछ गांव का नाम था। उससे पहले ये पड़ी अपने को वाटर क्रॉसिंग, देख लो भाई पसीने छूट रहे निकाल देते हैं। पानी का फ्लो ना इतना तेज है कि टायर अपने आप नीचे को मूव कर रहा है। तो ये है यहाँ के नज़ारे देखो, और उधर देखो आप पूरी बर्फ ही बर्फ है, उधर देखो बर्फ ही बर्फ है, चारों ओर बर्फ है। बस अभी धीरे धीरे ऊपर को निकलना है, ठीक है। तो फाइनली यार हम लोग धार चुके, इस वाटर क्रॉसिंग को हमने क्रॉस कर दिया है। और सच में वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करने में ना घोड़े खुल गए, घोड़े क्या खुल गए, नीचे रेत थी और पानी का फ्लो बहुत तेज था, इसलिए गाड़ी हल्की हल्की स्लिप हो रही थी। लेकिन उस वाटर क्रॉसिंग के जो नजारे थे ना वो बहुत जबरदस्त थे। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहां से दीपक ताल के लिए। यहां से कुछ दूरी में पड़ेगा आपको दीपक ताल, उसके बाद पड़ेगा बारालांचा, फिर पड़ेगा आपको सरचू। आज सरचू तक पहुंचते या नहीं पहुंचते उससे पहले हम पहुंचेंगे दीपक ताल, क्योंकि दीपक ताल एक बड़ी सुंदर और खूबसूरत सी लेक है। तो अभी आपको मैं दीपक लेक दिखाने वाला हूं, तो फटाफट चलते हैं दीपक लेक की ओर और लेते हैं दीपक लेक के नजारे, ठीक है। तो चलो मेरे साथ। तो भाई यार फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं आपका दीपक लेक, दीपक ताल इसे बोलते हैं। और ये लेक देखो चारों ओर देखो लोग किस तरीके से खड़े हैं। तो हम भी इधर अपनी गाड़ी लगा लेते हैं और दीपक लेक के नजारे लेते हैं। वैसे इसका नाम दीपक ताल क्यों रखा है मुझे नहीं पता, बट फिर भी। और ये लेक ज्यादा बड़ी है नहीं, इस लेक का पानी देखो एकदम से हल्का ब्राउन और हल्का सा ब्लू है। और इसके चारों ओर आप देखो उधर ठीक सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे पीछे ना बिल्कुल बर्फ से ढके हुए पहाड़ है। फटाफट चलते हैं लेक के पास और लेते हैं लेक के नजारे और छोटा मोटा फोटोशूट अपने इंस्टाग्राम के लिए, और लेक के बारे में आपको बताता हूँ लेक के पास पहुंच के। तो अपने साथ के लौंडे भी इधर देखो उधर खड़े हैं सब लोग, और हम भी चलते हैं नीचे फटाफट। और जो पीछे हमको अटल टनल पे अपने दिल्ली के लौंडे मिले थे ना, तो उनकी बाइक भी इधर ही खड़ी है। तो फटाफट हम भी अपनी बाइक यहाँ लगाते हैं और दीपक ताल चलते हैं, आपको दिखाते हैं दीपक ताल के नज़ारे, ठीक है चलो।
अभी जिस्पा और धारचा सब कुछ पार करने के बाद हम पहुंचे हैं दीपक ताल। ये मेरे बिल्कुल ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा है। तो भाई लोग, हम लोग धारचा से आगे निकल के आ गए थे, उसके बाद हम लोग पहुंचे आपका दीपक ताल पे, और दीपक ताल के नज़ारे हैं मेरे बिल्कुल ठीक पीछे। फिलहाल आप नज़ारे लो दीपक ताल के, तो लेह लद्दाख की 20 सड़क मिले। आपको लग रहा होगा मेरी सांसों में हल्का फुल्का फ़र्क कि मैं एक एक वर्ड बोलने के बाद छोटी छोटी सांसें ले रहा हूँ। तो यही है हाई एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम, यही है दिक्कत सांसों की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या उधर आपका पूरा बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है, पीछे आपके बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है, तो ऑक्सीजन की दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। तो यार अभी बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको इस राइड पे, क्योंकि अभी हम ज़्यादा तो नहीं 60 से 70 किलोमीटर आए हैं, और अभी कम से कम 150 किलोमीटर और रन करेंगे शाम से पहले। तो जहाँ लगेगी अच्छी सी लोकेशन वहाँ आज कैंपिंग करनी है किसी भी हालत में। तो फिलहाल ये नज़ारा दीपक ताल का, लद्दाख राइड 2021 का। तो पहली बार चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी लद्दाख राइड स्टार्ट हुई है, नज़ारे मिलने अभी बाकी हैं दोस्त, ठीक है। तो चलो फिलहाल मजा लो दीपक ताल का। तो भाई इतना शांत पानी आप देख लो, और उधर अपने सारे राइडर लोग उधर बैठे हुए हैं, और उधर आपको दिखाई दे रहा होगा तो हिमालय बादलों से ढकी हुई चोटी है, उसमें पूरा हिमालय की बर्फ़ है पूरी। और उधर आप देख लो, आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा अगर मेरा गोप्रो आपको वहाँ तक दिखा पा रहा है तो, ठीक है। तो ये है यहाँ की ब्यूटी, देख लो दोस्त।